झूठ मत बोलो। फोन कहाँ रख दिया मैंने? सही वक्त पे ही नहीं मिलेगा। अंकल फोन। ओह कहाँ मिला बेटा? वही था। ओहो गुरुजी को फोन करता हूँ। अब हिमालय में है, लगेगा कि नहीं पता नहीं। बाजा, ये क्या कर रहा है? ए वो दक्षिणायन जी हिमालय में बेटा है तो हवा का इफेक्ट तो जाना चाहिए। अबे इफेक्ट बाद में जाना चाहिए, पहले तुझे जाना चाहिए। निकल यहाँ से। बज रहा है। धीरू गुरुजी पाए लागू। ये किस अशुभ समय पे तुमने फोन कर दिया? हमसे बात मत करो। सूर्य की दिशा परिवर्तित हो रही है। सूर्य दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहा है। और तुम अभी तक घर में बैठे हो। समधी जी ने तुम्हें कुछ कहा नहीं? नहीं नहीं उनकी इसमें कोई गलती नहीं है। उन्होंने कहा था लेकिन मैं ही नहीं निकला। मैं निकल रहा हूँ। नहीं मैं निकल रहा हूँ गुरुजी, मैं निकल रहा हूँ। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। हमें कैसे पता चला? यही ना। जी 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 जी। अरे ज्ञानी पुरुषों की महिमा तुम क्या जानो? तुम घर से तुरंत निकल जाओ, क्योंकि अगर सूर्य की किरणें दक्षिण से उत्तर प्रसार करती हुई घर में घुस गई तो घोर अनर्थ हो जाएगा। निकल जाओ। नहीं मैं निकलता हूँ गुरुजी, मैं निकलता हूँ। शिट, मेन बात तो की नहीं। अरे लो गुरुजी का ही फोन है। हेलो गुरुजी। धीरू। हाँ बोलो गुरुजी। नव दंपति अपूर्व और आरती तुम्हारे साथ तो नहीं है? नहीं नहीं गुरुजी नहीं। समधी जी ने भी बताया था वो दोनों मेरे साथ नहीं है। अन्य है। और एक बात ध्यान से सुनो। जी जी जी। वो जो कहे उनका कहना माना करो वरना सर्वनाश हो जाएगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात बोलो गुरुजी। उनके होते हुए मुझे फोन करते हो, उन्हें कितना बुरा लगेगा। आप सही कह रहे हैं गुरुजी। हाँ नहीं समधी जी के होते हुए मैं आपको फोन नहीं करूंगा, उनको बहुत बुरा लगेगा। लेकिन गुरुजी एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, ये आपकी आवाज मुझे डबल डबल सुनाई क्यों दे रही है? वो इसलिए कि वो दक्षिण से सूरज निकल रहा है उत्तर की ओर, आप भी दक्षिण की ओर मुड़ जाइए। जी गुरुजी हैं, फोन पर बात करेंगे आप। प्रणाम कह दीजिए हमारा। जी जी। हेलो गुरुजी। ये हेलो कट हो रही आवाज, कट हो रही। वो दक्षिण की तरफ कहा था ना उन्होंने? हाँ हाँ। हेलो गुरुजी। हेलो हेलो गुरुजी, अब आपकी सिंगल आवाज आ रही, कमाल कर दिया आपने, कमाल कर दिया। वहां बैठे बैठे आपकी आवाज को कम कर दिया, कमाल हो गया। मैं धन्य धन्य हो गया गुरुजी। अब वक्त बर्बाद मत करो, निकल जाओ इस घर की लक्ष्मण रेखा को पार कर जाओ आरती को लेके। जी बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी। ओके। क्या कहा अंकल दक्षिणायन ने पंडित? जी क्या कहा पंडित दक्षिणायन ने अंकल? घोर अनर्थ होने जा रहा था हमसे, इन दोनों महान व्यक्तियों ने मुझे बचा लिया। तकलीफ तुम्ही को होती बेटा। आरती कहाँ? आरती गाड़ी में बैठी है। अच्छा आप जाए वो आपका इंतजार कर रही है। अच्छा ओके 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 बेटा जी, बाय बाय जी। हार्ट अटैक से मरने वाला हूँ एक दिन में। आप लोगों ने मेरे परिवार का रोल बहुत अच्छी तरह से निभाया है, इसकी कीमत मैं कभी चुका नहीं पाऊंगा। मतलब हमारा पैसा देगा कि नहीं? पैसा बिल्कुल दूंगा। मैं ये कह रहा था कि आप लोगों ने जो भी किया है वो बहुत अनमोल है। ए, भाई बहन लोग देखो भाई, पैसे का मामला है, चार चार बार गिन लो, बाद में मुझे चिक चिक नहीं चाहिए। पहली बार मेहनत का पैसा ले रहा है ना, तो अच्छा लग रहा है दादा। समोसा सा क्या बोला सर? इनसे पूछिए तो कौन सी मेहनत? ए टेबल सा, इनको बोलो ये जो हम इनसे इनडायरेक्ट बात करता है ना, वो वाला मेहनत। पल्लवी सा, पैसा सा। शुक्रिया सा। प्रीति थैंक यू। डांस करके नहीं मिला फिर भी मजा आया, सच में आप सबके साथ काम करने में बहुत मजा आया। अपूर्वा
जब तुम मॉरिशस से आओगे ना तो हम फिर से एक फैमिली बन के रहेंगे 2 महीने के लिए, यहाँ हो और वो भी फ्री में। ऑफ कोर्स फ्री में। माँ के साथ पैसों का व्यवहार करना बड़ा अजीब लगता है। सही कह रहे हो, माँ का कर्ज तो कोई नहीं उतार सकता। सही कहा आपने। तो लिखाइए। अब तुम कोशिश तो कर सकते हो ना। आउट। ले आ, अब आई ना लाइन पे। ये पैसे हम गरीबों में बांट देने वाले हैं। अच्छा, अने सबसे उधार लिया उसका क्या? वो दूध वाड़ा ने साक वाड़ा ने मकान वाड़ा। उन्हीं गरीबों की बात कर रहे हैं। जरा हम इसको भी दे रहे हो? हाँ। रक्षाबंधन का तोहफा समझ ले। पूरा भाई, ये पैसा मैं कभी खर्चा नहीं करेगी। पंकज भैया। ये मोटा भाई, वैसे तो हमेशा इतना लंबा लंबा बोलता है, आज का एक बोबड़ी बंद हो गई हो जी। वो थैंक यू कह रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छी तरह से समझने लगी उनको। सिर्फ इनकी भाषा को छोड़ के। इनकी बारी है। ए केमचो बापू, बहुत कमाल की फैमिली बनाई है तुमने। मैं जानता हूँ 90,000 उसके लिए कम है, लेकिन ए सू गांडा वेड़ा करे छे, 90,000 थोड़े नहीं बहुत कम है। मने 2,00,000 रुपया जोए छे। कितना? 2 लेक्स। वे पागल हो गया क्या तू? किस बात के 2,00,000 रुपए दूं तुझे? ये डांसिंग क्वीन ऐसा ऐसा नाचती थी ना, ये प्रीति, इसको नॉर्मल खड़ा रहना किसने सिखाया? अने ये चाकू छुरी वाले भाई को बेन पानी किसने बनाया? तेरा क्या, तेरा कुछ नहीं ना। ये हटो हटो, ये राजस्थान की गुड़िया, इसको नॉर्मल खड़ा रहना किसने सिखाया? इसको बात करना किसने सिखाया? वो कंगना सा वगैरह तुमने सिखाया था इसको? अभी बेटा ऐसे बोलते हो? ऐसे नहीं बोलने का बेटा। तो मेरा कास्टिंग ने ट्रेनिंग सबका मिला के 2,00,000 रुपया होता है। ए, 1 रुपया नहीं मिलेगा तुझे ट्रेनिंग का, समझा? ओ, मोटा भाई है, जब काम की जरूरत थी तो मेरे पैरों में गिर गए थे। भावेश भाई काम हो गया तो पैसा देने के लिए झिकझिक कर रहा है। पूछो जो है जाए। ए भावेश, तुमसे ज्यादा काम तो ना इस राजू ने किया है, उसे भी पैसे मिलने चाहिए, समझे? क्यों बच्चों? हाँ, इन सबने तो एक एक रोल किया है, मैंने 3-3 रोल किए हैं। पति का, बाप का और तेरे दोस्त का। भाई लेकिन दोस्त तो असली है ना। चल बाहर में गई दोस्ती, पति और बाप के पैसे निकाल। अरे कैसा दोस्त है यार तू? हैं? ए भाई, दोस्ती अलग धंधा अलग, सही है ना भाइयों? बराबर बोलता है, एकदम बराबर बोलता है। तो लाओ पैसे। क्यों हाथ उठेगा बच्चा, हाथ उठेगा? अरे भाई, नहीं देंगे। उसने तो पैसे दे दिए, अब मेरा कमीशन तो आपके पैसों में से बनता ना? ना, एक मिनट बनता है इसका भी नहीं बनता है। वाह, जब अपूर पैसे दे रहा था तो मुझे चढ़ा रहे थे, लो लो लो, अब जब अपनी बारी देने की आई तो नो नो नो, क्यों? लाओ 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 पैसे। ये राजू, तू काजू खा के बाजू में बैठ। ओ भाई,
ये मैं गेटअप करके पैसा वसूल करने के लिए आया, पहले मेरा पैसा दो। क्या मेरा पैसा तुम करता है? हम लोग को क्या है घर में, तुमने क्या आया? देखिए हम भी स्वयं आए थे और बात सुनो, ये इसको ट्रेन में से मैं लेके आया था, समझे भाई? पक्का नहीं मारने का। एक मिनट, मेहमान है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ए थैंक यू मोटा भाई। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पीछा दो पीछा दो। ट्रे उठाओ भैया, ट्रे उठाओ, बैठ जाओ बैठ जाओ। तमीज नहीं मार देगा मैं एक एक को? ऐसे कैसे मार देगा बेटा, अभी हम मारेंगे तेरे को। क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है समझी जी, ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है समझी जी, ये क्या हो रहा है? बेटा पैर आगे पैर पीछे, फिर आगे योगा, ऊर्ध्वचरण आसन। ऊर्ध्वचरण आसन, ये कैसा आसन है? अंकल क्या है कि मामा जी की पीठ और कमर में बहुत दर्द हो रहा है। क्या है ये आगे पीछे करने से जो गैस वैस है वो सब निकल जाएगी? करो करो पीछे। भाई मुझे नहीं करना आसन, मुझे बचा लो दीनू भाई, बचा लो बचा लो। अरे मामा जी आपकी कमर में दर्द है और हमारे समधी जी ने इतना अच्छा आसन आपके लिए ढूंढ निकाला है, उसे प्रसाद समझकर ग्रहण कर लीजिए। नहीं धीरू भाई। चल बेटा इनको ये करने दो, हम ऊपर चलते हैं। धीरू भाई। अरे अरे करो करो। हाथ हाथ हाथ। ये 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 हो गया तुम सबका है, हंस लिया तुम सबने। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अभी मेरे को मेरे काम का 2 लाख नहीं 5 लाख रुपया चाहिए। ये? क्या 5 लाख किस बात के? 2 लाख रुपया मेरे काम के और 3 लाख रुपए ये मार खाने के। और सुन पूरा मोटा भाई, अगले 2 घंटे में मुझे मेरा पैसा चाहिए, नहीं तो मैं जो 12 बजे तेरे 12 बजाने वाला था ना, वो अभी 10 बजे बजा डालूंगा। हैं? अने 7,006,999,98,97,97। ए दादा एक किसी से काउंटिंग करता है तू? अरे दादा तुम्हारे 12 बजने में कितने सेकंड बाकी है वो याद दिला रहा हूँ दादा। पूरी बाबा अपूर्वा को बोलो पैसा दे दे, नहीं तो तुम लोग गए काम से। ये तो हमारे सर पे चढ़ के बैठ गए, इतना तो 15 दिन में अंकल ने आके तंग नहीं किया था जितना इसने एक दिन में कर दिया। देख यार किस तरह बेचारों को तकलीफ दे रहा है यार, जी करता है जाकर मनोज का गला दबा दो। देख शांत, हम फिलहाल इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए तो चुप बैठा हूं। वो महारानी तुमको तो आदत होगी ना आवाज डालने की, ठीक से पंखा कर चल। अभी के अभी इस 2 टके के आदमी को यहाँ से निकालो, कि अगर मुझे गुस्सा आ गया तो धरती हिल जाएगी, आसमान फट जाएगा, आंधियां चलने लगेगी, भूचाल आ जाएगा। और अपनी भावना पर जरा कंट्रोल रखिए, बाहर जो समस्या है ना उसका हल ढूंढना है हमें। एक आइडिया दो, किसी शूरवीर गुंडे को बुलाकर
उसके ना हाथ पैर ही तुड़वा दो। यानी कि जो 5 लाख रुपए हमें भावेश को देना है वो शूरवीर गुंडे को दे दे। ये तो वही हुआ ना, फालतू आइडिया। माँ आप कृपा करके शांत रहिए, बाहर जो मामा जी बैठे हैं उनके बारे में सोचने देंगे आप हमें प्लीज। हे भगवान, अगर मुझे भाई देना ही था तो ये शैतान जैसा क्यों दिया, साधु जैसा क्यों नहीं? धीरू भाई की नजरों में भावेश को अगर शैतान बना दे तो? जी करेगा ना? बिल्कुल करेगा, बस तू लोचा मत करना। एक्सक्यूज मी, एक मिनट, आई विल कॉल यू बैक लेटर। या अरे अगर आप बिजी हैं तो हम बाद में आ जाते हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप पिताजी? संकट के बारे में बताना है ना अंकल को? हाँ, बहुत गंभीर संकट आया है। संकट? कैसा संकट? ऐसा संकट तो तब भी नहीं आया था जब आप यहाँ पर आए थे। जी धर्म संकट की बात, मतलब पिताजी के कहने का मतलब यह है कि जब ये तय हो गया था कि हम यहाँ पर आकर रहेंगे परिवार समेत, तो लड़की वालों के घर में हम कैसे रह पाएंगे, ये एक धर्म संकट में फंस गए थे पिताजी। लेकिन अच्छा हुआ आपने मनवा लिया उनको। लेकिन अब जिस गंभीर संकट की बात हम करने जा रहे हैं वो तो आप ही नहीं मानेंगे। क्या बात है बेटा, साफ साफ बताओ। नीचे जो शख्स आए हैं जो कह रहे हैं कि वो हमारे मामा जी हैं, वो दरअसल हमारे मामा नहीं है। क्या? वो बहुत बड़ा बहरूपिया है, मक्कार है, बहुत बड़ा झूठा है। झूठा है अंकल, वो झूठा है। हमने राजकोट अपने साला साहब को फोन किया था, उन्होंने हमें बताया कि वो तो कभी राजकोट से बाहर ही नहीं निकले। राजकोट क्या, वो तो कभी अपने कोर्ट से बाहर नहीं निकले। मतलब जो नीचे जो शख्स आया है मामा मामा कह रहा है, वो मामा तो है नहीं, उल्टा हम सबको मामा बनाया जा रहा है। क्या? इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा फरेब, इतना बड़ा विश्वासघात, इतना बड़ा विश्वासघात। ये आदमी कौन है? भावना का भाई। भावना? ये भावना कौन है? अपूर्व की बीवी। जी होने वाली थी लेकिन हमने रिश्ता तोड़ दिया क्योंकि वो फैमिली बहुत बड़ी झूठी थी। अच्छा किया, अच्छा किया संदीप जी, कैसी झूठी फैमिली से आपने अपना रिश्ता तोड़ दिया। लेकिन आपका रिश्ता जब जुड़ा ही नहीं है तो फिर ये आदमी यहाँ पर आया क्यों? हमारी भावना से खिलवाड़ कर, और क्या, अपनी भावना का बदला लेने के लिए? नहीं बेटा, ऐसे लोगों की कोई भावना नहीं होती। नहीं मैं उस भावना की नहीं, उसकी सिस्टर भावना की बात कर रहा था। अच्छा अच्छा, नहीं छोड़ूंगा ऐसे, नहीं छोड़ूंगा, पुलिस को बुलाते हैं। अरे पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है समधी जी, इसे तो हम ही खुद निपट लेंगे। लेकिन एक चेतावनी देनी थी आपको। हाँ। कि वो हमारे बारे में आपको मनगढ़ंत बातें बताएगा कि हमारी फैमिली नकली है, हमारी फैमिली मक्कार है, हमारी फैमिली झूठी है। लेकिन आप तो हमें जानते ही हैं ना। कैसी बातें कर रहे हो समधी जी, ऑफ कोर्स मैं आपको जानता हूँ, लेकिन वो मुझे नहीं जानता, वो नहीं जानता। ये झूठे लोग जो हैं वो धीरू भाई झवेरी के शिकार होते हैं, शिकार। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.